और फिर पता है क्या हुआ, मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 टमाटर थे और कम से कम 5 किलो आलू थे। पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो टमाटर लाना और आधा किलो आलू, पर यह वहाँ जाकर भूल गए और 3 किलो आलू ले आए और आधा किलो टमाटर। बता ऐसे है, ये कमाल ही हो गया। यह तो फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं, कहती भी क्या? पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भूलकर श्याम सब्जी गलत तोल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतने आलू का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो आलू के पराठे बनाते हैं। और पता है मैंने तो बहुत कम काम किया और सारे पराठे इन्हीं ने बनाए। अरे वाह, तो कैसे बने आलू के पराठे? अगर एक नंबर के बकवास एक पीस खाकर ही फेंकने पड़े सारे के सारे। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सपना और उसकी बचपन की सहेली अंजू। सपना की शादी 2 साल पहले श्याम के साथ हुई थी। श्याम अपनी माँ सीमा और छोटे भाई राम के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सपना अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली अंजू भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियाँ थी और एक दूसरे पर जान छिड़क थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब सपना अपने घर जाने लगी। अरे यार शट, देख तुझसे बताने मैं तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। यह देखना कैसे हैं? वाओ कितनी प्यारी इयररिंग्स हैं यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुझे यार, कितने केयरिंग हैं, काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। यह क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर राम की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। अंजू शर्माते हुए वहाँ से चली गई। सपना एक हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और अंजू उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सपना के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब क्या यार, अब तू चली जाएगी, कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार, तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गुलक पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। हाँ मुझे भी। अच्छा सुन ना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? अरे पगली शादी तो करेगी ना कहीं, ना कहीं तो मेरे ही घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मेरी? और क्या देख, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो श्याम को जानती भी नहीं थी। पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले, और भरोसा रख राम भी वैसा ही है, और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना, फिर तो मजा ही आ जाएगा, रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे। एक बार सोच कर तो देख। पर वर कुछ नहीं, अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूँ, कैसे करूँ, मतलब कि? अरे उस सब के लिए मैं हूँ ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। एक महीने के अंदर ही अंजू अब सपना की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सपना अब तो तू खुश है ना, ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो यह है कि यह तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। यह क्या कह रही है सपना, क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता, पैर छू मेरे? सपना की ये बदले तेवर देखकर अंजू हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरान थी और सपना उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी अंजू आंखों में आंसू लेकर सपना के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे, तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची
सपना ने अंजू के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो अंजू भी घबरा गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोर बेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है सपना, देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के मेन गेट पर मंजू खड़ी थी, जो राम और श्याम की बड़ी बहन थी, और वह अपने साथ एक बड़ा सूट केस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर, अरे मंजू, ऐसे अचानक? दामाद जी कहाँ है? वो नहीं आए और ना ही आएंगे, मैं घर वापस आ गई हूँ माँ। इतना कहते ही मंजू ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक चाहे तू यहीं रह। सीमा की बात सुनकर अंजू और सपना एक दूसरे की शक्ल देखने लगी शाम को रसोई में। ए सपना, सुनना, ये मंजू दीदी क्यों आई है? यार, मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, पर ज्यादा बात नहीं करती है। उनकी शादी पहले हो गई थी, तो मैं भी ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। यार मुझे चिंता हो रही है। अरे यार, अभी तक तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर मंजू दीदी मुझे थोड़ी खुखार टाइप लग रही है। अंजू का डर सही था, मंजू को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था, और इसीलिए अब मंजू की वजह से सपना और अंजू भी घर में शांत ही रहने लगे। फिर एक दिन खाने पर, अरे अंजू, दाल तुमने बनाई है ना? हाँ जी मम्मी, मैंने बनाई है। एक बार चेक कर तो देख कितना तेज नमक है। मस्ती अपनी जगह है, काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा करो बेटा जी। मम्मी जी गुस्से में खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके, अरे यार सपना, तू देख नहीं सकती थी क्या? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी कहा था कि उसमें नमक भर ही दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार, मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं कैसे नमक इतना तेज हो गया। तू रहने दे यार, बस एक काम दिया था तुझे। इतना कहकर अंजू गुस्से में वहाँ से चली गई। बाद में सपना ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजू नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद, अंजू सुनना, कपड़े धो रही है, बता यार मेरी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, ला दे। अंजू ने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद सपना अपनी साड़ी लेने छत पर गई, तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से भी ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में जमीन पर पड़ी थी। ये देखते ही सपना भड़क गई। अंजू अंजू, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ बोल देती ना, उसे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? देख, मैंने तुझे कहा था कि मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था, पर तू है कि अब उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुमसे सबसे कोई बात नहीं करनी। ओए सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी, अब से भाड़ में जा, तू समझी? अंजू के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहाँ उनकी सास आ गई। और फिर, देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी जी कसम से मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था। उस दिन मम्मी जी इसे कह दो कि यह यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। जाना किसे चाहिए यह मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि मंजू है। सीमा की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया, और पास ही खड़ी मंजू के तो पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर, क्या, पर मैंने क्या किया माँ, इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ मंजू, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी, मुझे लगा तू परेशान है इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा, लेकिन तू तो मेरे ही घर को उजाड़ने लगी। मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई कर दी उस दिन दाल में, जब तूने नमक डाला था तो मैंने सब देख लिया था। मैं सब जानती, मैं तो बस अंजू को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैंने खुद देखा कि कैसे तूने छत पर जाकर सपना की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा किया। अब बस बहुत हो गया, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं चली जा अपने घर। और तुम दोनों, तुम तो बचपन की सहेली होना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है, ऐसी कैसी दोस्ती है यह? चलो एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर अंजू और सपना बहुत ही शर्मिंदा हुए और एक दूसरे से माफी मांगी।